पापा आजकल सोशल मीडिया पे जहाँ देखो जिसके पास देखो ये मेरे हर फ्रेंड के पास ये है और मुझे पता नहीं इतना स्पेशल क्या है इसके बारे में और बोलते हैं कि इससे बहुत स्ट्रेस बस्टर होता है साइकोलॉजिकली जिसको इश्यूज होते हैं बहुत स्ट्रेस फ्री होता है बट ऐसा कैसे हो सकता है हाउ कैन वन फिडजेट्स कैन नॉट डू दैट बेटा आप ऑब्जर्व किया आप इसको इज मेड आउट ऑफ थ्री विंग्स विद वन सेंटर मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपरली पकड़ने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थ्री विंग्स है उसको वैदिक लैंग्वेज में सत्व रजस्सु तमस्सु बोलते हैं वॉट एवर इट मे बी वॉट एवर दे आर स्टेटिंग इज करेक्ट बेटा इससे स्ट्रेस कम होता है आदमी का स्ट्रेस मतलब क्या है कैसे कम होता है प्रोडक्ट में पावर है व्हाट इज दैट पावर वी शुड नो दैट व्हाट इज दैट पावर पावर में क्या है पहला चीज फॉर फिडजेट बोलते ना आप लोग इसको हाँ फिडजेट को आप लोग क्या फिंगर्स यूज कर रहे हैं देखो ये थंब यूज कर रहे हैं फोर फिंगर यूज कर रहे हैं आप ये वैदिक में कृष्ण भगवान देखा आप वो ऐसा फिंगर रखते हैं ज्ञान मुद्रा बोलते हैं ज्ञान मुद्रा या कृष्णा या गीता अमृत दुखी नमः बोलते हैं मतलब ये दो फिंगर हमारा बॉडी का अब बहुत कम टाइम में बताने के लिए कोशिश करते हैं मैं आपको हमारा बॉडी का एंड पॉइंट्स है फिंगर्स मींस ब्लड सर्कुलेशन इधर पहुंच के वापस होते हैं अगेन टुवर्ड्स हार्ट ऑल फाइव टिप्स है फाइव टिप्स रिप्रेजेंट्स फाइव एलिमेंट्स है इसमें फाइव एलिमेंट्स में ये थंब है ना इसको फायर बोलते हैं फायर इज अ कनेक्टर ऑफ ऑल पंचभूतास बिकॉज फायर से अबव इनविजिबल है फायर से बिलो विजिबल है वाटर एंड अर्थ विजिबल है एयर एंड आकाश इनविजिबल है इधर इसलिए ये इन बिटवीन कनेक्टर है इसलिए थंब इज वेरी पावरफुल इवन द पांडवास में अर्जुन कहते हैं इसको देन ये फिंगर को वायु कहते हैं वायु एयर इसलिए एयर एंड फायर ज्वाइन होएगा उधर देखो वात ये वात ये पित्त वात पित्त यूजुअली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं व्हाट इज बिकॉज ऑफ एयर इम्बैलेंसिंग बॉडी के अंदर फाइव एयर्स रहते हैं वो फाइव एयर्स फाइव एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में फाइव एयर्स होते हैं उसको वैदिक लैंग्वेज में प्राण आपाना व्याना उदाना समाना बोलते हैं ये फाइव एलिमेंट एयर्स का इरिटेबिलिटी होने के बाद हमारा बॉडी के अंदर कैंसर वगैरह बहुत बहुत डिसीजेस आते हैं फ्रॉम बीपी टू कैंसरस और एनीथिंग द बॉडी विच इज getting lot of health illnesses because of the imbalancing of air but isliye rishi muni log kya kiya ye do points ko connect kiya connect karke air and fire ko circulate kiya usko gnan mudra bolte uska wajah se body mein recirculate hoke body kitna body ke andar deficiency aake imbalance hota hai ye connect karne se balance hota hai लाइक हार्ट के अंदर जाके कैसे प्योर होता है ब्लड ऐसा एयर प्योरीफाई होता है इसलिए इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं व्हेन एयर प्योरीफाई होने से ब्रेन अच्छा काम करते हैं ब्रेन अच्छा काम करने से एक्टिवेशन आते नशा आते ये थोड़ा ओवर ही ज़्यादा काम करते हैं ये क्या करते हैं बच्चे लोग को मालूम नहीं है कोई ज्ञान मुद्रा है क्या कोई सॉफ्टवेयर फ्री की ये लोग को बहुत नॉलेज का बहुत ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन चाहिए वो लोग को मालूम नहीं हाउ इट वर्क्स बोल के वो लोग कोइंसिडेंशियली क्या करते हैं ये फिडजेट को यही दो फिंगर्स से पकड़ते हैं पकड़ने से इधर अंदर बेरिंग है इधर मूवमेंट का फ्रिक्शन आते हैं दोनों फिंगर को वो यूजुअली ऐसा पकड़ेगा तो भी आपको एक पल्स पल्स विजिबल होते हैं वो पल्स फील होते हैं आप लोग पकड़ के देखो चाहे अगर ये पकड़ने से और ज़्यादा फील होते हैं इधर ये मूवमेंट का वजह से दोनों फिंगर का टिप्स में बहुत ही एक्टिवनेस आते हैं वो होने से ब्रेन में बहुत शार्पनेस डेवलप होते हैं दे फील बेटर एंड बॉडी का एयर है ना जल्दी सेटल होता है
वो लोग को गैस्ट्रिक ट्रबल, एसिडिटी ये सब कम हो जाते हैं. गैस्ट्रिक ट्रबल एयर से आते हैं, एसिडिटी फायर से आता है. वो कम होने से मेडिकल शॉप्स में देखो मैक्सिमम मेडिसिन एसिडिटी और गैस्ट्रिक को इमोशंस का बिकता है. अभी ये फिडजेट आने के बाद मैक्सिमम चिल्ड्रन के अंदर भी वो कॉन्स्टिपेशन होने दो, डायरिया होने दो, ये सब अवॉइड हो जाते हैं. मतलब हेल्थ फील होने लगता है. इसलिए दिस टू गैजेट्स, दिस फिडजेट्स आर बिकमिंग वेरी फेमस नाउडेज. एवरीबडी स्टार्ट्स यूजिंग इट. इसलिए ये इसका एक वैदिक सिम्टम है. आप विष्णु चक्र देखा, विष्णु चक्र कृष्ण भगवान का हाथ में रहते, वो ऐसा ही घूमता रहते. यू तो सर्कस कंपनीज में वो लोग प्लेट घुमाते, वो फीलिंग आते. इसीलिए फिंगर टिप्स ऑलवेज एक्टिवेट रखना चाहिए. पहला चीज़ ये चाइनीज का बोलता है, चाइनीज का बेसिक सब्जेक्ट बोल नहीं सकते. आपको मालूम है इंडिया से बौद्धिज्म चाइना को गया. मतलब अशोक चक्रवर्ती का टाइम इंडिया से संगमित्र और महेंद्र श्रीलंका को लेके जाते हैं बौद्धिज्म को. ऐसा ग्रुप्स बना के अशोक चक्रवर्ती बौद्धिज्म को वर्ल्ड में स्प्रेड करते. नॉर्थ ईस्ट को भी बहुत बहुत नॉलेजेबल पीपल का ग्रुप भेजते. ऐसा इंडिया के बहुत नॉलेज उधर गया है. फॉर एग्जांपल वो लोग टीम में, बुद्धिज्म टीम में स्पिरिचुअल टीम था, बट साइंटिफिक नॉलेज था. नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज में वो लोग का रिसर्च था. वो सब हर जगह स्प्रेड किया ये लोग. वो इंटेलेक्चुअल पीपल हु हैज लर्न्ड फ्रॉम देयर, दे वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक दैट. व्हेन दे वेंट टू चाइना दे converted their knowledge into Chinese knowledge. For example, Indian Vastu became Feng Shui there. Okay. Why this fidget is benefiting you? Unnecessary wo market mein ye lata to popular nahi hota tha. Koi bachche ek kharida, ye kiya, unka stress burst hua. Nahi to wo dusra bachche ko nahi bolte aur ye aisa popular nahi hoega. Isliye beta. Aur kuch doubt hai? Clear ho gaya? Haan. Mujhe bas ye puchne ke liye, mere friends ko dikhane ke liye ek video banana tha. Okay, it's very popular. Thank you very much.